أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارك کا آخری سبق اور آخری درس میں آپ کے ماننے والوں کو اہل کتاب کی ایذا رسانیوں کے خلاف تسلی دی گئی، اور جو لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ یہ اہل کتاب اور معاندین کا پہلے سے طریقہ چلا آیا ہے کہ یہ تمام آنے والے نبیوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں، غربا ساتھ رہے، عمرا چونکہ بڑا دماغ رکھتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، جلدی سے جھکتے نہیں اور حق کی طرف آتے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، بدال اسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا، اسلام شروع میں آیا تو اجنبیت اور غربت کے بیچ میں آیا، غلاموں نے قبول کیا، باندیوں نے قبول کیا، مکے کے جو بڑے سردار اور ٹھیکیدار تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی، آپ تسلی رکھیں اور آپ ہماری طرف سے اللہ کے یعنی ہمارے فرستادہ اور سچے پیغمبر ہیں، اور سچے پیغمبروں کو اور سچوں کو آزمائشوں سے، یہ دنیا دارالآزمائش ہے، دارالامتحان ہے، یہاں مختلف طریقوں سے امتحان ہوتا رہتا ہے اور حالات آتے رہتے ہیں، ایمان والے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی ابھی بتا رہے ہیں، قرآن کریم نے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا، جو مسئلہ اٹھایا اس کو بیان کیا اور اس کا حل بھی سامنے ہی ہمارے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، تم کو ضرور بالضرور آزمایا جائے گا. یہاں پر لام جو ہے یہ بھی تاکیدی اور نون ثقیلہ دونوں آئے ہیں، یہ دونوں حرف تاکید کے لیے آتے ہیں، لہذا معنی یہ ہوا کہ تمہاری آزمائش لازماً ہوگی. اور آگے فرمایا، فی اموالکم وانفسکم، تو
तुम्हारे मालों में भी आजमाइश होगी और जानों में भी आजमाइश होगी। यानी दीनदार लोगों को जान और माल दोनों के एतबार से आजमाइश से गुजरना है, और हर लिहाज से इम्तिहान देना है। इम्तिहान के जरिए से ये पता चल जाएगा कि सच्चा ईमानदार कौन है और हालात में कौन जम कर दीन पर काम करता है और किसके अंदर कच्चापन है कि हालात में फिसल जाता है। हालात आते हैं तो ईमान वाले का ईमान मजीद मजबूत होता है, मुस्तहकम होता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मार खाते जाते थे लेकिन ईमान में कमजोरी नहीं आती थी कि तुम चाहे तो मुझे मार डालो लेकिन मेरी जबान पर जो अहद एक अल्लाह का नारा आया है इसको तुम बदल नहीं सकोगे। जिंदगी खत्म कर सकते हो, मुझे घसीट सकते हो, मेरे सीने पर पत्थर रख सकते हो, मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, लेकिन ईमान की आजमाइश में इंशाअल्लाह मैं पूरी तरह से पक्का निकलूंगा। जैसा जैसा जिसका कैलिबर और मर्तबा होता है उसी के मुताबिक आजमाइश भी होती है। केजी और नर्सरी में पढ़ने वाले का इम्तिहान उसकी हैसियत के मुताबिक होगा, कॉलेज में पढ़ने वाले का इम्तिहान उसकी हैसियत के मुताबिक होगा, दर्जे के मुताबिक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद्दुल बलाए अल अंबिया, अंबियाए किराम का दर्जा इंदल्लाह बहुत आलीशान होता है, तो उनकी आजमाइशें भी इसी तरह से बड़ी होती हैं। अल्लाह ताला उनको इसी शान के साथ आजमाते हैं, फिर दर्जा बदर्जा रुतबा बरुतबा हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया गया। कैसी कड़ी इम्तिहान की घड़ियों से आपको गुजारा गया। एक और जगह पर सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत फरमाई, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी खौफ आएगा, डर तुम्हारे ऊपर छा जाएगा, ईमान होगा तो निडर बन जाएगा, जैसे कि उन लोगों ने प्रोपेगंडा किया था कि अबू सुफियान दोबारा फौज लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता है, तो ईमान वाले निडर होकर कहने लगे हसबुनल्लाह व नेमल वकील। तो कभी खौफ ये भी आजमाइश का जरिया बनता है, मुख्तलिफ किस्म के डरावने अहवाल पेश आते हैं। कभी भूख और फाका, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फाका किया है दीन के हासिल करने के लिए, फाका कशी करते रहे, खाना छोड़ा, दीन नहीं छोड़ा, भूखे रहे लेकिन ईमान का दामन और दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से नहीं गया। और फरमाते हैं तुम्हारे अमवाल में भी कमी आएगी, कभी माल के जरिए से आजमाएंगे, कभी तुम्हारी औलाद ले लेंगे, तुम्हारे सब्र को आजमाएंगे, तुम्हारी जान पर कभी कभी बीमारियां अमराज तरह तरह के हालात आएंगे। मुसीबत नाम है अहले वफा की आजमाइश का, मुसीबत नाम है अहले वफा की आजमाइश का, इसी से आदमी का हौसला मालूम होता है। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया है وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, फितना आजमाइश को कहते हैं, हम खैर और शर
दोनों तरीके से आजमाते हैं, कभी देकर आजमाते हैं, माल ढेर सारा दे दिया, अब आजमाइश आई, अब किस तरह से ये हुकूक बजा लाता है, इसके अंदर अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करता है, बंदों के हुकूक कैसे अदा करता है। और कभी ले लेते हैं और सब्र का इम्तिहान करते हैं कि देखें आप क्या इसका रवैया रहता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे कितने हालात आए, सब माल भी ले लिया गया, सब इम्तिहान लिए गए, और जब अल्लाह देने पे आए तो सोनों की टिड्डियों की बारिश हो रही और वो लेने के लिए लपक रहे हैं, और इधर गुस्ले सेहत भी हो रहा है। ये दुनिया आजमाइश का घर है। अक्सर मकामात पर जान और माल दोनों के जरिए से आजमाइश का तस्किरा हुआ है। अल्लाह ताला दोनों चीजें औलाद देते हैं तो भी आजमाते हैं कि कैसी तरबियत औलाद की हो रही है, और कभी औलाद ले लेते हैं और सब्र का इम्तिहान लेते हैं कि बंदा कैसे सब्र करता है, कैसे मेरे फैसले के ऊपर रजामंद रहता है, राजी रहता है। ये इम्तिहान का सिलसिला जारी है। आगे अल्लाह ताला बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, और तुम जरूर सुनोगे उन लोगों की तरफ से ऐसी दुख पहुंचाने वाली बातें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई। तो आले किताब की तरफ से तो हर वक्त हर्जा सराइयों का सिलसिला जारी था, जिसमें से कुछ का तस्किरा भी कर रहा हूं मैं। وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا, आहले किताब ये तो ईजा रसानियां जहनी तौर पर, जानी माली तौर पर करेंगे, आपको छुटलाएंगे, और ये मुशरिकीन जो मक्के से आपकी मुखालफत करते हुए चले आ रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी जहनी तौर पर ईजा रसानियों में आपको दुख पहुंचाने में, आपके सहाबे किराम को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और बातें भी ऐसी करेंगे जो आपका दिल दुखाने वाली हो। काब इब्ने अशरफ, ये यहूदियों का सरदार था और अपनी किताब का भी माहिर था। इसका आलम यह था कि इसको मुसलमानों से मदीना मुनव्वरा आने के बाद बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई थी। दुश्मनी का आलम यह था कि सहाबियात के बारे में हर्जा सराइयां अपने अशार के अंदर इश्किया अशार उनके कहता था, जिसकी वजह से सहाबा को बड़ी तकलीफ होती थी। कभी अशार सरे आम पढ़ता था और लोगों को भी तरगीब देता था, और शायरों का तो काम ही है वाहवा बटोरने की कोशिश कर रहा, नहीं कोई वाहवा करता तो अपनी तरफ से जुमले ऐसे कसते हैं, दुआ चाहूंगा आपकी हौसला अफजाई चाहूंगा, फला चाहूंगा और आपका साथ मिले और आपका दुआ मिले और फला मिले, जबरदस्ती अपने शेर को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये तो झूठा था, ये तो बेचारे कुछ ठीक है, वो शुरा तबियमुल गाउन, ये बदबख्त शेर कहता था, ही जो बयानी हुजूर की करता था, सहाबियात के शान में गुस्ताखियां करता था, नाकाबिले बर्दाश्त थी,
जालिम इतना था कि गज़वे बद्र में जब मुशरिकीन मक्का ने मूंगी खाई और शकस्त फास मिली तो इसके दिल में खुलबुली मची और ये बाकायदा यहां से निकलकर अपने किले से निकलकर वहां मक्के गया और उनको मक्के वालों को खूब उकसाया वरगलाया, दूसरी मर्तबा हमला करने के लिए तैयार किया और अपनी तरफ से साथ देने का वादा किया और उनको सच्चा कहा और मुसलमानों को बावजूद इसके कि अपनी किताब की रोशनी में जानता था कि ये लोग सच्चे हैं फिर भी झूठा कह गया है। ये तो उस जमाने की बात हुई। आज भी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये ईज़ा रसानी की बातें होती रहती हैं, कहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी के कार्टून बनाए जाते हैं, कहीं कुरान करीम को जलाया जाता है। पार्लियामेंट में इंग्लैंड की एक शख्स ने खड़े होकर हाथ में कुरान लेकर कहा कि दुनिया में जब तक ये कुरान रहेगा शांति नहीं होगी। अरे बेवकूफ, कुरान नहीं होगा तो शांति भी नहीं होगी, ये याद रखना। कुरान शांति की किताब है। कुरान खुलेंगे और कुरान खुलने के लिए मदरसे खुलेंगे और मकतब खुलेंगे तो चोरियां बंद होंगी, गारतगरियां बंद होंगी, गद्दारियां बंद होंगी, हटदर्मियां बंद होंगी, जेलें बंद होंगी, कैदखाने बंद हो जाएंगे और दुनिया को इंसानियत क्या है उसका पता चलेगा। तो अर्ज कर रहा था कि हर जमाने में आज भी जो है कोई अजान पर एतराज करता है तो कोई नमाज पर एतराज करता है मुशरिक। हुजूर की शान में गुस्ताखियों की हद हुई है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, उसको तो एक मुसलमान ने तहतेख किया और अपने आप को ले जाकर कोर्ट में और पुलिस में पेश किया कि मैंने ये काम किया है, लिख लो मेरे नाम खून का इल्जाम। अमीर शकीब अरसलान शाम के रईस और आलिम थे, तुर्की खिलाफत में अहदेदार रहे, पहले जंग अजीम में अस्पतालों के इंचार्ज रहे, तराबलस की लड़ाई में बतौर मुजाहिद के शिरकत की, दूसरी जंग अजीम में अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। अंग्रेजों ने शाम पर कब्जा करके उनको जिला वतन कर दिया। अपने 20 साल यूरोप में जिला वतनी की जिंदगी गुजारी और 1946 में दुनिया से तशरीफ ले गए। एक अंग्रेज अमरीकी ने एक किताब लिखी थी, द न्यू वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम की दुनियाए जदीद, जिसमें अहले इस्लाम की खूब तौहीन की थी। एक मिस्री शख्स ने इसका एक जिल्द में अरबी में तर्जमा किया जिसका नाम हाजिरुल आलमिल इस्लामी रखा और उसे अमीर शकेब अरसलान को पेश किया कि वो इस किताब का मुकदमा तहरीर फरमाएं। आपने 3 जिल्दों में मुहीद एक अजीम मुकदमा लिखा जिसमें अंग्रेज मुसन्निफ की गलत बयानी का पर्दा चाक करके रख दिया। जर्मनी में एक राइटर था, अलैयाज़ु बिल्ला, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखता है कि उनके ऊपर मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वो बड़बड़ाते थे और वो सहाबा लिख लेते थे इसका नाम कुरान है, हालांकि ये झूठ है। मिर्गी के दौरे में बीमार पर जब दौरा पड़ता है तो उसको गुफ्तगू का होश नहीं होता, बात करने का, अपनी जान संभालने का होश नहीं होता, तो ऐसी आकिलाना और अकलमंदाना बातें कैसे कर सकते हैं। एक जालिम ने, अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर कुत्ता पाला था तो जालिम ने उस कुत्ते का नाम अहमद रखा। पूरी दुनिया से जब उस पर लान तान हुआ तो उसने माफी मांगी।
आज भी यह सिलसिला जारी है और यह सिलसिला मुसलमानों की ईजा रसानी का हमेशा जारी रहेगा। ये आजमाइश है एक तरह की और ये इम्तिहान है। अभी जैसे कि कोरोना का मसला उठाकर सीधा जो है दावत के काम के ऊपर डाल दिया गया, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम लोगों ने कहा कि ये गलत इल्जामात हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। नू की कोर्ट ने भी इस बात को जो है मंजूर किया और उन तमाम को जो है रिलीज किया, और जमीयत मेहनत कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको एक अच्छी कामयाबी इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने अता फरमाई। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में 14वां बाब कुरान करीम की मजम्मत में लिखा, राजपाल ने किताब लिखी रंगीला रसूल, और अहले इस्लाम को अपने गैज़ और गजब का निशाना बनाया। हर जमाने में ये दो चीजें आई हैं, एक तो ये कि हमारी आजमाइश जो है वो होती रही, और आजमाइश का तरीका ये रहा कि जानों और मालों के जरिए से अल्लाह ताला इस दारुल इम्तिहान में आजमाते हैं। आज कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, घरों में बंद हैं, मुकैद हैं, जकड़े हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते, पुलिस डंडे मारती, मारे भी खा रहे हैं, माल भी नहीं मिल रहा है खाने को, हजारों लोग रास्तों के ऊपर मर गए, बच्चों को, मरे हुए बच्चों को गोद में उठा उठा कर बेचारे मजदूर सफर कर रहे हैं, लोग अपनी दुनिया बनाने में पड़े हैं, मेडिकल वाले नई नई दवाएं तजवीज करके दुनिया में ठोस रहे हैं, उसको खपा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और इंसानियत की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो ये जान और माल की आजमाइश, दूसरा फरमाते हैं कि ईज़ा रसानी जबानों के जरिए से, कलम के जरिए से, तहरीर के जरिए से, तकरीर के जरिए से, रात दिन जहर उबलने का काम चैनलों के ऊपर जारी है। हजारों एतराजात और लाखों फप्तियां कसी गई हैं, लेकिन ये इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें बर्दाश्त करने के साथ साथ हम कायम हैं और दायम हैं, और इंशाअल्लाह एक जमात हक कयामत तक जो है हक का डंका बजाती रहेगी, सच्ची बात लोगों के सामने लाती रहेगी, पेश करती रहेगी। बाकी यहूद नसारा और मुशरिकीन सब मिलकर इस्लाम को निशाना बनाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखते। बड़ा मोतदिल और बड़ा प्यारा मजहब है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल ने सही बात कही, इसलिए फरमाते हैं, अय आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो ये आजमाइशों का एक तो सिलसिला जान और माल के एतबार से रहा, उससे गुजर रहे हैं, गुजरते रहेंगे, अल्लाह ताला मदद भी फरमाते रहेंगे, हम जमे रहेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ताला ने हमको इसका मुकाबला करने के लिए दो चीजें अता फरमा दी, इन दो बातों यानी माल और जान में आजमाइश, मुखालिफीन की तरफ से तकलीफ दे बातें सुनने का तस्केरा करने के बाद अल्लाह ताला ने ये दो तकालीफ के इलाज भी दो बयान फरमाए, दो इलाज बयान फरमाए, और ये इलाज वो है जिसको कुरान करीम जगह जगह कहता है, जगह जगह कहता है, बार बार कहा है,
वो क्या है? वइन तस्बिरु व तत्तकु। एक तो सब्र करना पड़ेगा, हालात आएंगे, बेकरार हो जाना और जज्बात में आकर कोई उल्टे कदम उठाना, इसके बजाय बड़ा तहम्मुल, उलमा से मशवरा, उनके पीछे चलना, उनकी राय को मानना। देखो अभी कितने मसाइल आए, कोरोना के बाद ईद के मसाइल आए, रमजान के मसाइल आए, तरावी के मसाइल आए, ईद की नमाज पढ़ने के मसाइल आए, जकात के सिलसिले के मसाइल आए, सब में किसने रहबरी की हमारी और किसने हमको राह दिखाई है? वो उलमा ही थे जिनको लोग गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, वो उलमा ने उम्मत की ये तमाम गालियां खाने के बावजूद रहबरी की है। और कदम कदम पर उनको क्या करना है, उम्मत को तिशना और अकेला और तनहा रास्ते के अंदर नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम का सर्च लाइट लगाकर इनको राहें बताई, ये भी एक राह है, ये भी एक राह है। मस्जिद में तरावी बने तो घर के अंदर तरावी का निजाम कैसे चलेगा, और जुमा बन है तो घर में जुमा का निजाम कैसे चलेगा, और वो भी नहीं है तो किस तरह से हम नमाज अदा करेंगे? और इबादत, इबादत बहरहाल करनी है, और नमाज पढ़नी है, और कुरान पढ़ना है, और दीन का दामन नहीं छोड़ना, ये तरीका बताया। इसमें एक बात ये भी बताई कि भाई सब्र के मरहले से गुजर रहे हैं हम लोग। सब्र अल्लाह के फैसलों पर राजी होने का नाम है, अवामिर पर चलने का नाम है, नवाही से बचने का नाम है। कई जगह इसकी तल्कीन फरमाई, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कहीं फरमाई इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कहीं फरमाया या अय्युहल लजीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, यहां भी दो नेमतों का तस्करा फरमाया, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हें दो हथियार दिए, तुम्हें दो वेपन्स दिए, तुम्हें दो मददगार दिए, तुम्हें दो हेल्पलाइन वाले दिए, इनको आजमाओ, इनको जिंदगी में लाओ, फिर देखो क्या नहीं होता, अल्लाह की मदद कैसे नहीं आती और कैसे सब्र करना चाहिए। हुजूर से कहा जा रहा है फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जैसे पहले अजीम नबियों ने अजाइम के साथ सब्र किया, इस तरीके से तुम्हें सब्र करना है, जल्दी नहीं करनी, वला तस्ताजिलु, जल्दबाजी ना करें, बल्कि उलुल अज़्म अंबिया की तरह सब्र से काम लें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल अज़्म अंबिया के सरदार हैं, और फरमाते हैं दूसरी चीज, एक तो सब्र को बयान फरमाया, सब्र का बयान बड़ा तवील है, जगह जगह कुरान करीम में इस उसूल को बयान फरमाया है। وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, अगर तुम सब्र करते रहे और तकवा की ढाल से लड़ते रहे तो फिर जो है तुमको दुश्मन कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, नाकाम हो जाएंगे। थोड़े दिन की कामयाबी होगी, फिर दायमी कामयाबी अल्लाह ताला, और दुनिया में कर भी गए कुछ काम तो आखिरत की कामयाबियां ये दो ढाल की वजह से और दो नेमतों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाने वाले हैं। वो दायमी नेमतें हैं जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा इलाज बताया इनकी अजियतनाक बातों पर क्या करना पड़ेगा। फरमाते हैं तकवा की राह इख्तियार करो। तकवा का क्या माना? अहकाम इलाही पर पूरी तरह से कारबंद होना, इसका नाम तकवा है। और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर भी है कि अन युता वला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, ना शुक्री और नाफरमानी ना की जाए। वान तुज़कर वला तुनसा, अल्लाह को हमेशा हर मौके पर हर वक्त याद रखा जाए, भूला ना जाए। और तुश्कर वला तुख्फर, शुक्र किया जाए, शिकवा और शिकायत जबान पर ना आए।
और शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तकवा नाम है मुहाफजत बद हुदूद शरा, यानी शरीयत की बातों पर अमल करना और उसकी मुहाफजत करना और शरीयत की हुदूद को किसी भी वक्त अबूर न करना, कंट्रोल में अपने आप को रखना। तो तुम्हारे अखलाक अगर रहे, तुम्हारे पास सब्र रहा, तुम्हारे पास तकवा रहा, मुखालिफिन के दिल कमजोर हो जाएंगे, जल्दी मगलूब हो जाएंगे, तुम कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो तुम किसी नबी की शान में गुस्ताखी कर बैठो। हमें तमाम अंबियाए किराम को यकसा तौर पर मानना है, तमाम रसूलों को मानना है, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं दुनिया में हिदायत के लिए, उन तमाम को मानना और तमाम का यकसा तौर पर इकरार करना और उनको मानना, ये बड़ी बात है। तो दुनिया के ये मुआनिदीन और ये मुखालिफीन, इनको जेर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दो नेमतें अता फरमाई। वो दो नेमतें क्या हैं? वो दो नेमतें, जाहिरी बात है कि सब्र और तक्वा है। इसलिए जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को सामने अपने बिठा लिया, मौका आ गया, सामने बैठ गए, बैठने के बाद तारुफ हो गया और तारुफ में भी ये बात बता दी गई कि अना यूसुफ व हाजा हकीकत मन्नल्लाहु अलैना। आगे फरमाया, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। ये मर्तबे आलीशान और ये तख्तो ताज और ये नबूवत और ये अखलाक अल्लाह ताला किनको देते हैं? फरमाते हैं कि जो तकवा पर जिंदगी गुजारता है, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है, जैसे मैं कुएं में अल्लाह के फैसले पर राजी रहा, जैसे मैं कैद खाने में अल्लाह के फैसले पर राजी रहा, जब इल्जाम लहा तो मैं आया अल्लाह के फैसले पर राजी रहा, जब मुझे फरोख किया गया तो मैं अल्लाह के फैसले पर राजी रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है कहां से कहां पहुंचाया। लिखा है कि हसीर पर बैठे थे तो शरीर पर अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, और गयाबतिल जुब यानी कुएं के अंधेरे से निकाल कर गायतिल हुब मोहब्बत की बालाइयां और बुलंदियों तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। तो सब्र और तकवा, फरमाते हैं ये दोनों जो है अजायम उमूर में से, बड़े मजबूत और पुख्ता लोगों के कामों में से है, जो इसको इख्तियार करेगा और अपनाएगा और सब्र और तकवा का दामन थामे रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे। ये चीजें आती रहेंगी, ये बात कुरान करीम ने बता दी है, प्रोपगंडे तुम्हारे खिलाफ होंगे, ईजा रसानियां, हर्जा सराइयां तुम्हारे खिलाफ, तहरीरें तुम्हारे खिलाफ, बगावतें तुम्हारे खिलाफ, रात दिन जहर उगलना, ये सब चलता रहेगा। तुम्हें बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, हक के साथ सही मिनहाज के ऊपर चलते रहना है और हक के रास्ते को थामे हुए रहना है तो अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक सईद अता फरमाए और दुनिया में कामयाबियां अता फरमाए, और अल्लाह ताला ये वबा से पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की खुसूसी तौर पर हिफाजत फरमाए, मस्जिदें और अल्लाह के घर दरबार खुल जाएं, मदरसे खुल जाएं,
और आसानियां और सहूलतें अल्लाह ताला मुकद्दर व मयसर फरमाएं। साथ ही साथ जो पर्दे के पीछे कोई नामालूम खेल अगर हमारे खिलाफ चल रहा हो, जैसे कि CAA, NPR, NRC, ये तमाम चीजों और जालिमाना कानूनों से अल्लाह ताला मुसलमानों की मखसूस तौर पर हिफाजत फरमाए, इसके लिए भी खास तौर पर हमें दुआ करनी है। अब से थोड़ी देर तक इंशाल्लाह मुराकबा करेंगे और मुराकबे के बाद फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। ऐ खुफ्ता दिल बेदार शो, दर जिक्र हक मशगूल शो। अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाओ, गफलत की चादर हटा कर उठो, बेदार हो जाओ। बेदारी का वक्त है। अजीजो दोस्तों यारो, ये दुनिया दार फानी है। दिल से मत लगाओ तुम लहद में जा बनानी है। तू आया बगरे ताअत फसा लज्जात दुनिया में, अकल खोई गई तेरी ये कैसी नादानी है। मुराकबे में आंखें बंद हो, सर को दिल की तरफ मुतवज्जे किया जाए और तसव्वुर यही रखा जाए कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है, दिल अल्लाह 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 कर रहा है, दिल को अल्लाह अल्लाह करने वाला बना। तो रोजे रख, नमाजें पढ़, खुदा को याद कर हर दम, किए नेकी तुझे एक दिन काम आनी है। न दुनिया न दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। जब मुराकबा कर रहे हो ये सोचना चाहिए कि आज कहा गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक दिन वो आएगा जब कोई दूसरा ही मेरी आंख बंद कर देगा। لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصلي على محمد كما هو اهل وفعل بنا ما انت اهل انك انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المجرمين إلهنا أنت في حالنا محول وبدل زلتنا بالعز بدل وسهل يا إلهنا كل صاب بحرمة سيد الأبرار سهل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما اے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اے الہ العالمین غیب سے ہماری تربیت کا سامان فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما تیرا نام زبان پر بھی جاری فرما دل میں بھی جاری فرما زندگی میں بھی جاری فرما اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اور نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما عافیت اور خیر کے فیصلے فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ یہ مراقبہ دعائیں اور اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی تفسیر کے سلسلے کو قبول فرما برحمتك يا أرحم الراحمين